तो गाइज आज इस वीडियो में भी एक छोटा सा मैसेज है। लास्ट दोनों वीडियो में भी एक मैंने छोटा सा मैसेज दिया था, कुछ मुझे खास रिस्पांस या कुछ खास शेयर तो मिला नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करना और ज़्यादा अच्छी लगती है तभी शेयर करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। लेकिन बस मेरा मैसेज ये है कि आपको इस वीडियो को भाई इसलिए शेयर कीजिए ताकि किसी भी हायर अथॉरिटी तक या मेरी बात पहुँच सके, आपकी बात हमारे रजौरी पूरी की आवाज़ पहुँच सके। क्योंकि देखो हमारे रजौरी में कितनी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज हैं, जैसे कि मैं आपको अभी पूरे वीडियो में आगे बताऊँगा कितनी अच्छी जगह फोटोग्राफी के लिए, फैमिली के लिए, टूरिस्ट प्लेस कितनी बेस्ट जगह है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे कमी है तो मेंटेनेंस नहीं की जाती, यहाँ पे बिल्कुल भी बैठने का अच्छा सोर्स नहीं है। अगर कोई भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे बैठने का सोर्स नहीं है, यहाँ पे ग्रास कितना बड़ा बड़ा है, कितना गंद पड़ा हुआ है। अगर थोड़ी सी इधर मेंटेनेंस की जाए, थोड़ी सी अच्छा इसको किया जाए तो कितनी बेस्ट प्लेसेस रजौरी में ये मानी जाती है, टूरिस्ट के लिए कितनी बेस्ट प्लेसेस मानी जाती है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए और हायर अथॉरिटी तक बात को पहुँचाइए कि हमारे इस फोर्ट की तरफ भी थोड़ा सा देखा जाए, इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस की जाए। जैसे आपने देखा अभी हमने मेन लिंक रोड अपनी हाईवे रोड में आ चुके हैं। जस्ट अभी हमने ठालका क्रॉस किया है, ठालका से आगे अभी पैरामिट में देखा 35 किलोमीटर रजौरी अभी दूर है और चिंगस किला लगभग 22 किलोमीटर इसके बीच अराउंड इतना दूर होगा चिंगस किला। पहुंच ही जाएंगे वहां पे, देखते हैं आज संडे है, मे भी कुछ टूरिस्ट या कोई बाहर का भी आया हो सकता है, वैसे रश तो होगा नहीं। आज सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हमारे जो अचानक प्लान बनते हैं ना, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा सेटअप नहीं लेके आ पाता, तो मुझे फिर आईफोन में ब्लॉग शूट करने पड़ते हैं। अगर कैमरा हो तो उससे आपको मैं अच्छे सिनेमेटिक शॉट और अच्छी वीडियो क्लियरिटी दे पाता, या माइक हो तो अच्छी वॉइस क्लियरिटी आ पाती। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चिंगस फोर्ट। यह हाईवे रोड से गाड़ी अभी हमने पार्क की है, तो फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। संडे ना हो, संडे की वजह से बंद भी हो सकता है। अगर अंदर एंट्री होगी तो हम आपको अंदर इंटरव्यू भी बताते हैं इसका। थोड़ा ही टाइम लगा है निशारा से यहाँ तक, जल्दी पहुँच चुके हैं हम। गेट तो ओपन ही है, अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं फोर्ट के। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसा, ये आई थिंक पुराने जमाने का तो लगता नहीं है, ये जाला टाइप यहाँ पे। तो एक सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह का नाम चिंगस क्यों पड़ा। इस जगह का नाम चिंगस इसलिए पड़ा था क्योंकि जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे जहांगीर, उनकी इंटेस्टाइन, उनकी डेथ हो गई थी। डेथ उनकी जो डेड बॉडी थी उसको दिल्ली में दफनाना था, तो जिसकी वजह से दिल्ली तक पहुँचने में तो उनको टाइम लगना था, उनकी डेड बॉडी को पहुँचाने में टाइम लगना था। तो उनकी इंटेस्टाइन को निकाल दिया गया था क्योंकि बॉडी सेफ रहे, स्मेल वगैरह ना आए, तो जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन को निकाल दिया गया था और उनकी इंटेस्टाइन को यहीं पर दफन किया गया था। और जो इंटेस्टाइन का जो उर्दू में वर्ड होता है, इंटेस्टाइन को उर्दू में कहते हैं चिंगस, जिस वजह से इस जगह का नाम पड़ा चिंगस फोर्ट। हम आपको उस साइड वो जगह बताते हैं जहाँ पर उस टाइम भी एनिमल्स वगैरह, उनके घोड़ों वगैरह बांधे जाते थे और जहाँ पे उनको फीड दी जाती थी। अभी हम उस साइड चलते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं कि वो जहाँ पर घोड़ों को बांधते थे, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर देखो कितने सारे लवर्स आते हैं, उन्होंने अपने लवर्स, सभी लवर्स ने अपने नाम इधर दीवारों पे छेड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने मतलब कि एनिमल्स वगैरह, घोड़े वगैरह, अपने जितने भी उनके साथ जानवर वगैरह होते थे वो यहाँ पर उनको बांधते थे।
यहाँ पर उनकी फीडिंग वगैरह करते थे। अभी अभी हमें एक लॉक वाला रूम मिला है, आई थिंक जब किसी को बंदी बनाना होता होगा वहाँ पे रखते होंगे आई थिंक। यहाँ पे ये रूम है, इसके आगे गेट भी लगा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर जो बंदी वगैरह उनके साथ अगर किसी को रखते होंगे यहाँ पर उसको कैद करके रखते होंगे। छोटा सा ही रूम है और यहाँ पे खास सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सीटिंग मैनेजमेंट तो है, बस अगर थोड़ी सी इधर की मेंटेनेंस भी की जाए तो बहुत मतलब कि अच्छा लगे। अगर कोई बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे, अगर यहाँ की मेंटेनेंस अच्छी होगी, थोड़ी साफ़ सफाई होगी, थोड़े फूल वगैरह होंगे, काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक ब्यूटी मतलब कि रजौरी में भी एक मतलब कि बेस्ट ब्यूटी टूरिस्ट प्लेस मानी जाए अगर यहाँ पे तो अच्छी मेंटेनेंस की जाए। यहाँ पे देखो इन्होंने छोटी छोटी कोठड़ियाँ कैसे बनाई हुई हैं, अभी तो हमें भी अंदर दिखाते और जाते भी डर लग रहा है, यहाँ पर स्नेक वगैरह या फिर कोई कुत्ता वगैरह बैठा हुआ यही भी हमें बिठा दे। यहाँ से हमें डायरेक्ट घर की वजह हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। ये देखो छोटी छोटी अभी तो फिलहाल रेत टाइप कुछ पड़ा हुआ है। सबसे हमें कंफ्यूजिंग वाली बात यह है कि यहाँ पे वो लाइटनिंग के बिना कैसे रहते होंगे। आज तो इंसान हर घर में इन्वर्टर है, बिना लाइटनिंग के रह नहीं सकता, वो लाइटनिंग के बगैर कैसे रहा करते होंगे, मतलब मशाल कितनी टाइम तक उनकी साथ होगी। फिर देखो कितना सही व्यू है, ये देखो यहाँ पे टॉप में कितनी मतलब भी आज के टाइम में घर की जो बाउंड्री वाल होती है कोई 6-7 फीट से ऊपर कोई चढ़ाता नहीं है, और उन्होंने देखो उस टाइम में भी कितनी 20 फीट ये 30-30 25-25 फुट 30 फुट के अराउंड इन्होंने बाउंड्री वाल दी हुई है, कितनी मतलब बड़ी यहाँ से ऊपर चलो कितने मतलब कि कारीगरी उस टाइम की कितनी मतलब अच्छी की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से अभी हम ये देखो इनकी छोटी सी स्टेयर्स, उनका ऊपर जाने का रास्ता कितनी छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, यहाँ से अभी हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कैसा है। तो अंधेरी कोठरी टाइप है, डर भी लग रहा है ये ना हो कि यहाँ पर कुछ कोई एनिमल स्नेक वगैरह हो। फाइनली अभी हम आ चुके हैं ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे बसते हैं हम थोड़ा टॉप वाली तरफ है, यहाँ से रिस्की है, अगर गिर गए तो कुछ बचने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए वीडियो ब्लॉग भी तो अच्छा ही बना रहे ऐसे आप भी नोट नहीं करोगे। ये देख सकते हैं आप इनका यहाँ से बाहर मेन टॉप में आ गए, बिल्कुल बाउंड्री वाल के साथ में, अभी हम यहाँ से बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये हाईवे साथ में, ये देखो हाईवे बिल्कुल साथ में। अगर आप कभी भी रजौरी टू जम्मू या रजौरी पूंछ कभी भी जाते हैं स्पॉट में आए यहाँ पे फोटोग्राफी अगर करते हैं सबसे बेस्ट प्लेस है, देखिए कितनी अच्छी शानदार जगह है। यहाँ से अभी मैं आपको इसका फुल व्यू बताता हूँ, अब इसका पूरा फुल व्यू आई थिंक 30 फीट बाउंड्री है, आई थिंक ये 30 फीट बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री की हाइट 30 फीट तक तो होगी। यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से काफ़ी कंजस्टेड स्टेप्स हैं थोड़ा सा, और बड़ी ऊंचा ऊंचा स्टेप है यहाँ का, लगभग 1-1 फीट स्टेप है यहाँ का, ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन डर करेंगे तो फिर आपको अच्छे अच्छे व्यू कैसे बताएंगे यहाँ के। ये बिल्कुल हम यहाँ किले के सेंटर में आ चुके हैं अभी हम, ये देखो अमित भाई कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, काफ़ी हाइट है यहाँ से आप देख सकते हो, काफ़ी हाइट है, ये देखो यहाँ से नीचे देखो आप 50 लगभग भी अभी हम 40 फीट हाइट में हैं अभी, मतलब कितनी लंबी वॉल्स उस टाइम की भी यहाँ पे बनाई हुई है उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए, तो सबसे बेस्ट प्लेस आप आए फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट कीजिए, और थोड़े मेरे व्लॉग को भी शेयर कर दें किसी हाई अथॉरिटी तक पहुँचाइए, उनसे मेरी ये अपील है कि इस जगह की थोड़ी बहुत तो मेंटेनेंस की जाए, अगर कोई भी बाहर आउट ऑफ स्टेट टूरिस्ट आता है वहाँ उसको यहाँ पर आगे अच्छा लगे, हमारा रजौरी भी कोई अच्छी एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से मानी जाए, बेस्ट मतलब जगह मानी जाए, यहाँ पे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से इनको डिनोट किया जाए। क्या कमी है यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी ज़रूरत है तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है।
ये रोड के साथ अभी मैंने गाड़ी पार्क की हुई है, गाड़ी के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ में ही है ये अपना फोर्ट, अंदर कोई ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफ, सबसे मस्त जगह है फोटोग्राफी के लिए ये पेड़, इधर बैठो सबसे खतरनाक फोटोग्राफी, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सेंटर में आती है फोर्ट के सेंटर है, यहाँ से पूरा चारों इर्द गिर्द वाला पोर्शन आपको दिखेगा। काफ़ी घूम फिर लिया यहाँ पे, काफ़ी आपको पूरा व्यू दिखा दिया, खुद भी काफ़ी फोटोग्राफ्स लिया, टाइम है थोड़ा घर चलने का, घर चलते तो सबसे खतरनाक स्टेप्स यहाँ की चिंगस फोर्ट की, इतनी इतनी एक एक फुट बड़ी बड़ी, यहाँ से थोड़ा संभाल कर चलना पड़ेगा, अगर यहाँ पे दांत मुँह साफ हो गए घर की बजाय हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऊपर से जब ज़्यादा हाइट वाला बंदा हो उसके लिए यहाँ पर आना बहुत हानिकारक है, आपका फिर तो फूट ही जाएगा। गाइस यहाँ से वापस जाने का बाहर निकलने का रास्ता है, अभी हमें घर वाली तरफ देख सकते हैं आप, फाउंडेशन चिंगस सराय Renovation works foundation stone laid by Honorable M.S. Tariq, Minister for Education on 12th August 1998, Agency JKPCC. लेकिन मेंटेनेंस की तो कोई इनकी बात ही नहीं की जाए, इतनी मेंटेनेंस अच्छी है कि घास इतना इतना बड़ा हो गया, हर जगह पे गंदगी है, मतलब कोई साफ सफाई तो है ही नहीं, इतनी अच्छी मेंटेनेंस, वाह वाह इनके लिए सल्यूट। यहाँ से आउट है यहाँ से वापिस आउट भी है। गाइस ओके बाय, अभी यहाँ पे हम खड़े होके वीडियो बना रहे थे और अभी वापिस हम गाड़ी में आ गए, गर्मी थी जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी अंदर से गर्म हो चुकी है, काफ़ी हमारी बुरी हालत हो गई है, फेस आप देख भी सकते हो रेड रेड हो गया, लेग का टमाटो। टाइम है अब घर वापसी का, चलते हैं घर आस्ता आस्ता अपने घर की ओर, काफ़ी घूम फिर लिया, घर से अकेले ही आए थे, अकेले ही जा रहे हैं, कुछ लेके नहीं आए थे ना कुछ लेके जा रहे हैं। ओके बाय, इतना मतलब होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं बतूनी, अभी आबे भाई की कॉल आई, आप हमारे रजौरी के कॉमेडियन यूट्यूबर आबे सुदन के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, उनकी कॉल आई थी, तो डिसाइड मुरादपुर में उनका घर है, डिसाइड किया कि उनसे भी थोड़ा मिलके मुलाकात करके चलें, उनकी भी एक न्यू वीडियो आने वाली है एक दो दिन के अंदर, वो भी आप जाके अबे सुदन नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी हम उनसे मिला लेंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है अपने रजौरी के यूट्यूबर अबे सुदन, इनका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इनकी भी एक लेटेस्ट न्यू कॉमेडी वीडियो आ रही है, किसके ऊपर आ रही है भाई? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की आ रही है, देख और आज मैच भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है, वो भी हम सभी तीनों एक्साइटेड हैं बहुत वो मैच देखने के लिए, जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, अपने टीवी चैनल ऑन करें, स्पोर्ट्स चैनल ऑन करें और अपना मैच देखें, और इनका अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, अबे सुदन के नाम से है, शक्ल देख लो इस बंदे की, अभी ये आगे बैठे हुए हैं ना, मैं पीछे बैठा हूँ ना, सुना ये आगे बैठे हुए हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ, फोकस उनकी जा रहा है, वैसे मैं काला नहीं, मैं बहुत गोरा बंदा हूँ। नहीं वो बात नहीं है, बहुत गोरा बंदा है ऐसी वैसी बात नहीं है, थोड़े से अभी जल्दी जल्दी याद लगता है नहाए नहीं तभी थोड़े से काले लग रहे हैं, एनीवे ये मतलब गोरे चिटे बंदे हैं, तो इन शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करो भाई की, न्यू कॉमेडी वीडियो आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईपीएल की 2019 वर्ल्ड कप के ऊपर, तो और आज मैच के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो थोड़ा घर भी जल्दी पहुँचना है, तो सो आज शाम को होगा मौका मौका, आज शाम को मौका मौका, इंडिया इंडिया। ये देखो मैंने वैसे मैंने एक कमीज लगाई थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं अभी शूट करके आया हूँ ना, तो पाकिस्तान मैंने पाकिस्तान की रोल किया है, तो बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो होगी, तो बहुत मजा आएगा, और आज मैच तो पूरा इंडिया देखेगा ही देखेगा, मैच तो देखना ही देखना, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अबे सुदन की वीडियो भी देखनी देखनी है, और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल आपने करना है। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, ले घर का यो गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, चलो हमारी ट्रिप पूरा हुआ, दो दिन का टूर हमारा पूरा हुआ, तो इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।